कल एक बार फिर राजस्थान की टीम मैच हार गई और टूर्नामेंट में बुलेट ट्रेन की तरह शुरुआत करने वाली राजस्थान की टीम अचानक कब टेम्पो बन गई पता ही नहीं चला। जी हां, पहले शुरुआती 9 मैचों में 8 मैचों में जीत हासिल करने वाली राजस्थान की टीम पिछले अपने 4 लगातार मैच हार चुकी है। मैच शुरू हुआ और राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस सीजन खराब फॉर्म से गुजर रहे यशस्वी जायसवाल एक बार फिर सस्ते में निपट गए और 4 रन बनाकर कप्तान सैम करन का शिकार बने। पावर प्ले में राजस्थान की टीम फूंक फूंक कर कदम रख रही थी और केवल 38 रन ही बना पाए। रन रेट काफी धीमा हो चुका था, इसी को बढ़ाने के लिए कप्तान संजू सैमसन भी 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर पारी को संभाला रियान पराग और अश्विन ने और दोनों के बीच 34 गेंदों में 50 रन की पार्टनरशिप भी हुई और फिर अश्विन भी 19 गेंदों में 28 रन की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद राजस्थान के लगातार विकेट गिरते रहे और रियान पराग के 48 रन के चलते राजस्थान 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 144 रन बना लेती है और पंजाब को जीतने के लिए टारगेट मिला 145 का। 145 का टारगेट चेज करने उतरी पंजाब टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पंजाब की टीम पावर प्ले में ही 3 विकेट गंवा देती है। फिर पंजाब के कैप्टन सैम करन और टीम के वाइस कैप्टन जितेश शर्मा ने पारी को संभाला और दोनों के बीच 63 रन की पार्टनरशिप भी हुई। इस सीजन अपना आखिरी मैच खेल रहे कप्तान सैम करन ने 41 गेंदों में 63 रन की मैच विनिंग पारी खेली और 7 गेंद शेष रहते पंजाब को जीत भी दिलाई। इसी के साथ पंजाब की टीम इस सीजन अपना 5वां मैच जीतने में कामयाब रही तो वहीं राजस्थान की टीम अपनी 5वीं हार नहीं टाल पाई और लगातार 4था मैच हार गई। आज मैच है टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी गुजरात और कांस्टेबल पर नंबर 4 की टीम यानी SRH के बीच में, जहां गुजरात की टीम मैच जीतकर टूर्नामेंट का अंत जीत के साथ करना चाहेगी तो वहीं SRH की टीम मैच जीतकर टॉप 4 की पोजीशन को और मजबूत करना चाहेगी। बाकी आप हमें बताएं क्या गुजरात की टीम SRH को हरा पाएगी या नहीं।